हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर जो कि आपके क्लास टेंथ में है। चाहे आप WBBSC में हो, चाहे CBSE बोर्ड में हो, चाहे ICSE बोर्ड में हो, सारे बोर्ड्स में ये चैप्टर आपको मिल जाएगा, लाइट चैप्टर। और फिज़िक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना के हम आपको ये चैप्टर पढ़ा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके ऊपर पार्ट वन और पार्ट टू हमने बनाया है, जिसमें हम लोगों ने लाइट चैप्टर का शुरुआत किया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइट को हम लोग कैसे समझे, लाइट के बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें बताई है। जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। पार्ट वन और पार्ट टू है, जिसमें पार्ट वन में आपको लाइट के बारे में सब कुछ मिल जाएगा और पार्ट टू में हमने बताया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती हैं, फुल अच्छे से समझाया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जाके देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे रे डायग्राम्स के साथ, ठीक है। तो पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, एक समरी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। हम लोगों ने जो मेन चीज़ पढ़ी थी वो होती है रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन से मेन चीज़ स्टार्ट होता है। लाइट वगैरह तो आपको पता है, लाइट क्या होती है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट का स्पीड होता है एयर में 3×10⁸ मीटर सेकेंड, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बताई हैं और आप लोगों को पता भी, ये सब नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। मेन बात है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ऑन द सर्फेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि जब लाइट रे किसी मिरर पे गिरता है तो गिरने के बाद वो जब रिफ्लेक्ट करता है सेम सर्फेस पे, जब एक लाइट रे आके उस रिफ्लेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, यानी बाउंस कर जाता है। एक लाइट रे आता है किसी भी ऑब्जेक्ट से और बाउंस कर जाता है, तो उस फिनोमिनन को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने इसको समझा था एक मिरर की मदद से, एक डायग्राम की मदद से, जिसमें हमने रिफ्लेक्टेड रे समझा, इंसिडेंट रे समझा क्या होती है और नॉर्मल क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझा था। आप पार्ट टू देख लीजिए, जाके समझ में आ जाएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है पहला चीज़ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए, यानी कि जितना एंगल बना के कोई भी लाइट रे आया है किसी भी ऑब्जेक्ट से, उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर 30 डिग्री एंगल बना के आया है तो 30 डिग्री एंगल बना के ही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर 40 डिग्री पे आया है तो 40 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि 20 डिग्री आया है और 30 डिग्री रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए, और दोनों एंगल को मेज़र करने के लिए हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दूसरी लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि तीनों चीज़ें जो है वो एक सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तीनों जो है वो एक सेम प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज शुरू करते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के साथ। तो दोस्तों, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल इमेज के साथ कि रियल इमेज क्या होता है। देखिए, रियल इमेज का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो असल वास्तविक में होता है, मतलब किसी भी घटना या किसी भी चीज़ को जब हम वास्तविक में देखते हैं या वो वास्तविक में होता है, रियलिटी में होता है, तब हम उसको रियल बोलते हैं, असली बोलते हैं। तो यही होता है इमेज में भी। इमेज क्या होता है, जब दो लाइट रे एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो वहाँ पे इमेज बनता है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए मिनिमम दो लाइट रे चाहिए होता है। एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रे निकलती है। लाइट रे का मतलब क्या होता है, रे का मतलब होता है जब एक स्ट्रेट लाइन में लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, मतलब कि लाइट एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और उसी को हम लोग रे बोलते हैं, ठीक है ना। तो रे ऑफ लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट से आती है तो उसमें से बहुत सारे लाइट रेज निकलते, मतलब कि जब लाइट रेज हमारी आँखों में पहुँचती हैं तो उसके लिए हमको मिनिमम दो लाइट रे चाहिए होता है। कोई ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट निकल रहा है, तो हम उसको कैसे देख पाएंगे, जब उस ऑब्जेक्ट से मिनिमम दो लाइट रे हमारी आंखों तक पहुंचेंगी और दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, और वहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। वो हम लोग ह्यूमन आई में पढ़ेंगे और आगे रे डायग्राम में भी पढ़ेंगे। तो जब भी दो लाइट रे कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। रियल इमेज क्या होता है, जब वास्तविक में दो लाइट रे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वास्तविक में, तो उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। जैसे एक मिरर है, ये मैंने ले लिया कि एक मिरर है, ठीक है। मिरर में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हम ले सकते हैं ये अलमीरा है, ठीक है, ये अलमीरा फॉर एग्ज़ाम्पल है, या फ्रिज है, कुछ भी ले लीजिए आप, फ्रिज है या फिर कुछ भी है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लेट इज ये एक फ्रिज है, ठीक है। तो फ्रिज से जब ये लाइट रे, फ्रिज को हम लोग कैसे देख पाएंगे, मान लीजिए कि फ्रिज जो है उससे एक लाइट रेज निकल रही है। फ्रिज का तो अपना लाइट होता नहीं है जो आपको भेजेगा, वो क्या करेगा, वो एक बल्ब से लाइट रे जो है
अपने ऊपर लेगा और उसको आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। वो अपने एक बल्ब से देख सकते हो आप यहाँ पे डायग्राम में, मैं आपको थोड़ा सा इधर करके दिखा दूँ। देखिए मेरा बल्ब थोड़ा सा ख़राब है, माइंड मत कीजिएगा। मान लीजिए कोई एक बल्ब है, फ्रिज का अपना तो लाइट होता नहीं है, तो वो उस बल्ब का लाइट से अपने मतलब उसका जो लाइट है बल्ब का, वो फ्रिज के ऊपर गिरेगा और फ्रिज से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर आपके आँखों में पहुँचेगा। हर ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है ना, तभी आप उसको देख पाते हो। क्योंकि अगर आपके आँखों में वास्तविक में लाइट नहीं पहुँचेगा तो आप कैसे देख पाओगे, ज़रा सा दिमाग लगाइए। सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं सबसे लाइट रे रिफ्लेक्ट होता है और आपकी आँखों में जाता है, तभी आप उसको देख पाते हो। अगर कोई भी चीज़ ऐसा है जिसको आप अंधेरे में, आप चीज़ों को क्यों नहीं देख पाते हो, क्योंकि अंधेरे में जो लाइट रे है वो आपकी आँखों में नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि लाइट रहता ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा। तो मान लीजिए एक फ्रिज है, फ्रिज का तो अपना लाइट नहीं है, फ्रिज क्या करेगा, फ्रिज को आप लोग क्यों देख पाते हो, क्योंकि वो बल्ब का जो लाइट रे होता है, कोई भी बल्ब होता है तो बल्ब को आप ऑफ करना तो आप फ्रिज को भी नहीं देख पाओगे, है ना, बल्ब ऑफ कर दोगे तो फ्रिज को भी नहीं देख पाओगे। तो मान लीजिए बल्ब है, ये बल्ब से जो लाइट रे है वो फ्रिज पे गिरेगा और फ्रिज से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल कीजिए, यहाँ से मैंने कहा ना दो लाइट रे चाहिए मिनिमम, तो ये एक लाइट रे आ रहा है इस तरीके से और यहाँ से भी एक लाइट रे आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक मिरर नहीं है या फिर ये आपका आँख है, कुछ भी है, तो जब ये दो पॉइंट पे मीट किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिरर में इसका इमेज बन जाएगा, मिरर में क्या होगा, इसका इमेज बन जाएगा, इस फ्रिज का जो इमेज है वो बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्चुअल में यहाँ पे मीट कर गया, दोनों पॉइंट, दोनों लाइट रे जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये फ्रिज का इमेज बन गया आपकी आँखों में या इस मिरर में, क्योंकि दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट हो गया। मैंने कहा था कि दोनों लाइट रे जब किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पे इमेज बनेगा, तो यहाँ पे मिरर पे बन गया, मिरर पे इंटरसेक्ट हो गया इसलिए इमेज बन गया। तो इस टाइप के इमेजेस को बोलते हैं रियल इमेजेस। अब फॉर एग्जांपल मैं एक मिरर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, एक सेकंड ज़रा सा यहाँ पे देखिएगा, ज़रा यहाँ पे मैंने एक लिया, यहाँ पे मैंने एक फ्रिज लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मान लीजिए कि फ्रिज से जो लाइट रे है वो इस तरीके से आ रहा है कुछ, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। देखिए कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ज़रा सा आप ध्यान लगाइए, तो ज़रा सा ध्यान लगाइए कि कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है मिरर में या आपकी आँखों में, कहीं कुछ भी मान लीजिए, मिरर या कोई ऐसा चीज़ मान लीजिए जिसको, जिस पे आप किसी चीज़ को देख सकते हो, ये मिरर हो सकता है, आपका आँख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइट रे, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इमेज यहाँ पे बनेगा ही नहीं। कहाँ पे बन सकता है, अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ, अगर हम लाइन इस तरीके से थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे, देखिए इस तरीके से हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए पीछे में जाके ये एक पॉइंट पे मीट करेगा। आप देख सकते हैं मैंने जब इसको एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, तब ये जाके पीछे की तरफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मिरर पे नहीं किया, इसको पीछे की तरफ जब मैं ले गया तो आप देख सकते हो कि ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट किया, लेकिन पीछे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो फ्रिज का इमेज है वो बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो है फ्रिज का इमेज जो है वो बनेगा, यानी कि मिरर के पीछे, ठीक है, मिरर के अंदर। तो यही होता है जब आप अपना फेस देखते हो, आपका जो फेस होता है वो मिरर के अंदर बनता है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक वर्चुअल इमेज होता है। ये क्या है, ये एक वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना, ये एक वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये वास्तविक में मीट नहीं कर रहा है। आप देखिए वास्तविक में मीट कर रहा है, हम इसको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं तब ये मीट कर रहा है, ठीक है ना, ये वास्तविक में मीट नहीं कर रहा है, वास्तविक में ये मीट कर रहा है, देखिए दोनों लाइट रे आके मीट कर रहा है। तो ये एक रियल है, ये असली चीज़ है और ये नकली चीज़ है, ठीक है ना, ये हम पीछे की तरफ ले जा रहे हैं तब हो रहा है। तो इस टाइप के इमेजेस को बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस, जो एक्चुअल में मीट नहीं करते हैं लेकिन अपीयर होता है कि ये मीट कर रहे हैं, और रियल इमेजेस जो एक्चुअल में मीट करते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, रियल इमेज वो इमेजेस होते हैं जिसको आप किसी स्क्रीन पे ऑप्टेन कर सकते हो, जैसे जब दो लाइट रे यहाँ पे मीट कर रही हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, सिनेमा हॉल का पर्दा आप रख सकते हो, सिनेमा या फिर टीवी या फिर कुछ भी चीज़ें, सिनेमा ले लेते हैं, तो सिनेमा का जो पर्दा होता है वो क्या होता है, वो एक स्क्रीन होता है जहाँ पे दो लाइट रे आके मीट करती हैं और वहाँ पे इमेज बनता है। तो इस टाइप के इमेजेस बोलते हैं हम लोग रियल इमेजेस, जिसको आप किसी स्क्रीन पे ऑप्टेन कर सकते हो, सिनेमा में, टीवी में, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब रियल इमेजेस हैं। लेकिन वर्चुअल इमेजेस को आप किसी स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं कर, आप वर्चुअल इमेजेस को किसी सिनेमा में नहीं ऑप्टेन कर सकते हो, सिनेमा हॉल के पर्दे में नहीं लगा सकते हो। एग्जांपल ले लो आपका फेस, आप फेस जब अपना देखते हो प्लेन मिरर में, अपना मिरर में आप जब अपना फेस देखते हो
तो वो वर्चुअल होता है, वो पीछे की तरफ बनता है। जब आपको ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ आपका इमेज बन रहा है, एक्चुअल में वो मिरर में मीट नहीं करता है, वो एक वर्चुअल इमेज होता है। क्या आप अपने फेस को किसी सिनेमा में ऑप्टेन कर सकते हो? आप जस्ट मिरर में अपना फेस को देख सकते हो, उसको आप किसी स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं कर सकते हो। कैमरा की मदद से, मोबाइल की मदद से कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में आप अपने फेस को सिर्फ देख सकते हो, ना कि उसको आप किसी स्क्रीन पर ऑप्टेन कर सकते हो। तो उस टाइप की इमेजेस को बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। रियल इमेज वो होते हैं जो रियल में, एक्चुअल में दो लाइटें मीट करती हैं एक पॉइंट पे, वो रियल इमेजेस, और वर्चुअल जिसमें लगता है, अपीयर होता है कि मीट कर रही हैं बिहाइंड द मिरर, वो वर्चुअल हो गया। वर्चुअल इमेज जिसको आप स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं कर सकते हो, और रियल इमेजेस जिसको आप स्क्रीन पे ऑप्टेन कर सकते हो। एग्जांपल दे दिया मैंने सिनेमा, और इसमें वर्चुअल में आपका फेस जो होता है वो वर्चुअल होता है, आप जब अपना फेस देखते हो आप उसको सिर्फ देख सकते हो, ना कि उसको आप किसी स्क्रीन पे ऑप्टेन कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने लैटरल इन्वर्सन भी आपको समझा दिया है कि लैटरल इन्वर्सन क्या होता है। लैटरल इन्वर्सन होता है जब कोई भी चीज़ उल्टा दिखता है मिरर में, मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो तो क्या होता है, अगर आप किसी भी मूवमेंट को अपने लेफ्ट हैंड से करोगे तो आपको लगेगा कि मिरर में आप राइट हैंड से कर रहे हो। ये सबको ही देखा है, तो इस चीज़ को बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन, ठीक है ना, जिसमें राइट साइड ऑफ द बॉडी सीम्स टू बी लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी सीम्स टू बी राइट साइड इन द मिरर, ठीक है। यही था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बेसिक डेफिनेशन, और डिफरेंस अगर चाहे तो तीन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन दे देना, सेकंड चीज़ दे देना स्क्रीन पे ऑप्टेन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एग्जांपल दे देना, ये सारी चीज़ें डेफिनेशन में आ जाएंगी। और नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और क्या बचा, और हमारा बच गया इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर, ठीक है। तो अगला क्या, आज ही हम लोग देख लेते हैं इसको ज़रा सा। देखिए प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, तो ज़रा सा देख लीजिए, छोटा सा चीज़ है आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्लेन मिरर मतलब जो अब आप अपना फेस मिरर में देखते हो, जो नॉर्मल मिरर होता है, मिरर पता है ना तीन प्रकार का होता है, जो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे उसको, जस्ट आप देख लीजिए इसको। तो प्लेन मिरर होता है जिसमें कोई शेप नहीं होता, मतलब स्ट्रेट इस तरीके से होता है, जो आप जब अपना फेस आप देखते हो, नॉर्मल मिरर जो हर घर में होता है वो एक प्लेन मिरर होता है। तो उस प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टी होता है जो आप देख लीजिए एग्जाम में आ सकता है। उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल होता है, ये तो आपको भी पता है। आप अगर 4 फुट के हो तो आप 4 फुट के ही दिखोगे मिरर में, ऐसा नहीं कि 5 फुट के दिखोगे, सामने चल जाओगे तो 5 फुट के, पीछे चल जाओगे तो 6 फुट के, नहीं, जितना आप आपका हाइट है उतना ही आपका हाइट आपको मिरर में भी दिखेगा, ठीक है। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी सेम रहेगा, यानी कि अगर आप 4 फुट पीछे खड़े हो तो आपका इमेज जो है वो 4 फुट पीछे ही बनेगा मिरर के अंदर, अगर आप नज़दीक जाके खड़ा होगे तो आपका इमेज भी नज़दीक में बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये एक मिरर है, ठीक है, आप खड़े हो 3 मीटर की डिस्टेंस पे, तो आपका जो इमेज है वो पीछे में 3 मीटर की ही डिस्टेंस पे बनेगा, ऐसा नहीं कि 4 मीटर की डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है ना। आप अगर इस जगह पे खड़े हो तो आपका इमेज भी इस जगह पे ही बनेगा पीछे में, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहेगा, जो हाइट है वो भी सेम रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। उसके बाद इरेक्ट होता है, इरेक्ट यानी सब कुछ आपको क्लियर और एनलार्ज दिखता है, ठीक है, मतलब क्लियरली आप अपना फेस देख पाते हो। वर्चुअल होता है, मैंने कहा कि जो आप अपना फेस देखते हो वो एक्चुअल में मिरर पे मीट नहीं करता है, ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ मीट कर रहा है, इसको आप किसी स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं कर सकते हो, तो ये एक वर्चुअल इमेज होता है। लैटरली इन्वर्टेड यानी कि राइट साइड उठाओगे तो लेफ्ट साइड लगेगा, लेफ्ट साइड उठाओगे तो राइट साइड लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं प्रॉपर्टी, इसको आप ज़रा सा लर्न कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा इसको, ज़रा सा आप इसको देख लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।